हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम अपनी जो मैप प्रैक्टिस की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम करेंगे मैप प्रैक्टिस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो प्लेसेस न्यूज़ में रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मैप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो किया था वेस्ट एशिया से स्टार्ट किया था हमने, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने तीन कंट्रीज़ डिस्कस करी थी। द फर्स्ट वन इज़ टर्की, देन सीरिया का डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लेबनान डिस्कस किया था। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। वेरी फर्स्ट कंट्री जो है हमारी वो है ईरान। ये देखिए, अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो इसमें ये जो मैप हम पहले देखेंगे, ईरान को कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है। तो हम देखेंगे इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान, सेकंड वन इज़ अफ़गानिस्तान, थर्ड वन इज़ तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद इधर आइएगा तो है अज़रबैजान, फिर आता है आर्मेनिया, फिर आता है इराक और यहाँ पे कुवैत। तो ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो ईरान को बॉर्डर कर रही हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि हमें आगे देखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो हम देख लेते हैं कि ईरान को कौन सा सी इनसर्कल कर रहा है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये हमारा ईरान है और ये देखिए ऊपर है हमारा कैस्पियन सी, ये इधर इसका बॉर्डर है। ये देखो ईरान का बॉर्डर और ये है हमारा पूरा कैस्पियन सी। चलिए ये हो गया हमारा ईरान का। हमने क्या क्या देखा, एक तो देखा कौन सा सी है बॉर्डर पे, बॉर्डर को टच कर रहा है ईरान के, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ईरान के बॉर्डर को टच कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ईरान की सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो न्यूज़ में रही थी। चलिए देखते हैं कौन सी। एक तो आप ये देखिए बंदर अब्बास यहाँ पे, ठीक है इधर है, ठीक है ये रहा, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पड़ता है यहाँ पे। या जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो इस वजह से ये बहुत सिटी न्यूज़ में रही थी, तो हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए जो बंदर अब्बास है वो ईरान की सिटी है। और दूसरी है इसमें छाबर। छाबर क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि छाबर जो हमारा इंडिया है वो छाबर पे एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान है नीचे, ट्रेड के लिए। कि ट्रेड आसानी से हो सके यहाँ से, इंडिया में सीधा माल आ सके, इसलिए। चलिए और इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे आप ये थोड़ा देख लीजिए, एक सिटी ये है क्योंकि ये पूरा जो था ना एरिया 2019 में बहुत न्यूज़ में रहा था, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी सिटीज़ ईरान की हैं जो इस एरिया में टच होती हैं। तो ये एक और है बशर, और ये भी है अबादन। ये देख लीजिए अबादन, बशर, बंदर अब्बास और ये रहा छाबर। थोड़ी ही सिटीज़ हैं, दोबारा आप वीडियो देखेंगे दो तीन बार इसको मैप में देखेंगे तो आपको थोड़े और याद होने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखते हैं कि वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्री से होके निकलता है। देखिए ये है हमारा मैप। तो हम ये देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वेस्ट एशिया में तीन कंट्री से होके निकलता है। ये देखिए सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। तो क्वेश्चन अगर बने तो आपको याद रखना है कि यहाँ से तीन ही कंट्री से होके निकलता है। देखिए फर्स्ट वन कौन सी है, सऊदी अरेबिया, दूसरी है यूएई और थर्ड वन है ओमान।
ऑप्शंस आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी कंट्री वो है सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया का देख लेते हैं हम कौन कौन से जो बॉर्डर टच हो रहा है कंट्रीज का सऊदी अरेबिया के बॉर्डर के साथ। चलिए देखते हैं, तो एक है ओमान, फर्स्ट वन। ओके, सेकंड है, सॉरी ये है यमन, सेकंड है ओमान, थर्ड है यूएई। ओके, उसके बाद है यहाँ पे कतर। ओके, इधर है कुवैत, इधर है इराक, और इधर है जॉर्डन, और काफ़ी कंट्रीज़ हैं। और कंट्रीज़ ये खुद में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया तो और भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो सऊदी अरेबिया को बॉर्डर कर रही हैं। ओके, एक भी कंट्री रह गई तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ओके, चलिए और देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के आसपास क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, इधर है पूरा रेड सी, ये आप देख पा रहे होंगे, और इधर है पर्शियन गल्फ। ओके, इधर है अरेबियन सी है। ओके, और इसके नीचे इधर है गल्फ ऑफ इडन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सऊदी अरेबिया हो गया हमारा, और देखते हैं सऊदी अरेबिया के आसपास क्या है हमारे लायक जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इधर है, ये है एक गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं इसको। ओके, ये है जॉर्डन, ये सारा इसराइल का एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये एरिया जो है ये इसराइल का है। इधर है सऊदी अरेबिया और ये है इजिप्ट। ओके, और ये है बीच में हमारा रेड सी। ओके, तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो सऊदी अरेबिया, इधर ये देखिए यहाँ है, इस एरिया में सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में पड़ता है। ओके, और दूसरा है यहाँ पे गल्फ ऑफ सूज। इधर मैंने अभी बताया ये है इसराइल का एरिया और ये है इजिप्ट का एरिया। और ये जो गल्फ ऑफ सूज है ये कहाँ पे जाके कनेक्ट होता है, मेडिटेरियन सी में, ये ऊपर देखिएगा, ये नीचे है गल्फ, इधर से अगर हम आएंगे और ये रहा मेडिटेरियन सी। ओके, मेडिटेरियन सी ऊपर है, बीच में है गल्फ ऑफ सूज। ओके, और नीचे अगर हम देखें तो है हमारा रेड सी। ओके, तो इसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया के आसपास जो छोटी छोटी लोकेशन से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, थोड़े हम स्ट्रेट्स देख लेंगे। स्ट्रेट्स इस बार जो है 2019 में काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, तो हमारे लिए इसको डिस्कस करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं वेस्ट एशिया में, दो ही स्ट्रेट्स हैं। ओके, और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, वो है ये देखिए यहाँ रहा, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इधर हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, इधर है ईरान हमारा। ओके, ये रहा बंदर अब्बास, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है पूरा। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इधर देखिए ये सारा एरिया। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। ओके, और पर्शियन गल्फ आगे जाके किस पे मिलती है, अरेबी, यहाँ पे क्या है आगे जाके, अरेबियन सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कंट्रीज़ देख लेते हैं इसके आसपास कौन कौन सी हैं। ये देखिए द फर्स्ट मैंने अभी बताया था ईरान है। ओके, देन इधर नीचे देखते हैं हम, यहाँ कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। ओके, ये सारी कंट्रीज़ हमें पता होनी चाहिए जो इसके आसपास लाई करती हैं। ओके,
तो ये जो गल्फ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके इम्पॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फैक्ट्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं. तो देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन होके जो क्रूड ऑयल जाता है बाकी कंट्रीज में वो फिफ्थ है यहाँ पे. ठीक है लिखा क्या हुआ है ऑलमोस्ट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासिस थ्रू द दिस स्ट्रेट. कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और जो सऊदी अरेबिया है यूएई है ईरान है कुवैत है इराक है ये सारी कौन सी कंट्रीज़ हैं. ये कंट्रीज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. ये सारा अपना जो क्रूड ऑयल है इसी स्ट्रेट के ज़रिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो इनके कंज्यूमर्स हैं ऑयल के हमारे हम भी लेते हैं इनसे वो यहाँ से पास होते हैं. ओके तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रेट. और अगर हम स्पेसिफिकली कतर की बात करें जो कतर है ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है. ठीक है ये जो कतर है ये यहाँ से जो एलएनजी है वो सारा जो अपना एलएनजी का एक्सपोर्ट है यहीं से करता है इसी स्ट्रेट से. अगर आप इसका लोकेशन देखो ना कतर की तो इधर देखिए यहाँ और कोई पीछे कुछ भी नहीं है जहाँ से कतर अपना बाय शिप जो है वो अपना जो एलएनजी है वो और कहीं एक्सपोर्ट कर पाए. ओके चलिए आगे देखते हैं. आगे एक और स्ट्रेट है ये हमारा लास्ट होगा. ओके स्ट्रेट का नाम है बब इल मंदीप. ओके ये देखिए इसकी लोकेशन. ठीक है ये रेड सी में पड़ता ही सारा रेड सी है हमने ऊपर डिस्कस किया अभी. ओके इधर है यमन और इधर है जिबूती. ओके ये देखिए मैं आपको मैप दूसरे में दिखा देती हूँ. इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है देखिए ये ऊपर है सऊदी अरेबिया है यहाँ पे यमन है. ओके इधर है ये नीचे छोटा सा ये है ये है जिबूती और इधर ये वाला स्ट्रेट पड़ता है. ओके तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है. हम बाकी वेस्ट एशिया को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.